पूर्वोत्तर में हार के बाद कांग्रेस अब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और इसके लिए पहले से ही रणनीति बनाकर चल रही है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वादा किया है कि झारखंड में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव जेएमएम के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और झामुमो की क्या रणनीति है, इसके बारे में हेमंत सोरेन ने किसी तरह का खुलासा नहीं किया। दो दिन पहले हेमंत सोरेन के तीसरे मोर्चे में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों पर 3 मई को कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू और झामुमो के संजीव कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दोनों सीटों को बचाकर अपने पास रखना विपक्ष के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तो वहीं खबर है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार से भी दिल्ली में मुलाकात की है। कुछ दिन पहले रांची में भी अजय हेमंत की मुलाकात हुई थी। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की कोशिश साझा उम्मीदवार खड़ा करने की है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।